सलोना कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। नहीं आ रही है सलोना, जाति जाति। अरुण जी रुकिए एक बार, सलोना जी आपका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप कुछ क्लिप्स दिखा रही हैं, कुछ कागज दिखा रही हैं, क्या था वो जिसे आप सबूत के तौर पर पेश कर रही हैं और क्या आरोप है आपका? पहली बात तो यहाँ इस प्रोग्राम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन। मैं सलोना कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, 133 तिलैर विधानसभा से। जो ये वीडियो चल रहा है, जो भी दिखाया जा रहा है, ये सब जो यहाँ के जो अभी तक के विधायक जी रोशनलाल वर्मा जी रहे हैं, जो वो वीडियो मेरा वायरल करवा रहे हैं, वो फर्जी वीडियो है। क्योंकि कल के टाइम मैं थाने में थी, हमारे कार्यकर्ताओं पे रोशनलाल वर्मा जी ने अपने गुंडों से। सलोना जी मेरा सवाल उसी वीडियो को लेकर है जिसमें आप थाने में कुछ कागज दिखा रही हैं। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कागजों में क्या था और किस आधार पर आप कह रही हैं कि वोटों में फर्जीवाड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, कल क्या था कि कल यहाँ पे चुनाव था, तो जो अपना यहाँ के तीन ब्लॉक हैं, तिलैर ब्लॉक और निघोई ब्लॉक, सिदौली ब्लॉक। निघोई ब्लॉक में रोशनलाल वर्मा जी ने अपना पूरा एक जाल बना रखा था फर्जीवाड़े का, और हर एक बूथ पर अपने गुंडे बैठाल रखे थे, और वहाँ पे फर्जीवाड़ा हो रहा था, फर्जी तरीके से वोटिंग चल रही थी। मैंने उसका विरोध किया और मैंने कोई भी फर्जी वोट डालने का विरोध किया। तभी वर्मा जी को, रोशनलाल वर्मा जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने हमारे जितने कार्यकर्ता थे मतलब, तो उन पर लाठी चार्ज करवाया, और लाठी चार्ज करने के बाद बुरी तरीके से लाठी डंडों से पिटवाया। इसलिए हम लोग थाने आए हुए थे, हमने कहा कि सबका FIR दर्ज कीजिएगा, और FIR दर्ज होने के बाद में मतलब जो भी इनके दोषी हैं, गुंडे हैं, वो उन पे सब पे कानूनी कार्रवाई। समाजवादी पार्टी से रोशनलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका पक्ष बहुत जरूरी हो जाता है जिस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं। रोशनलाल जी इनका कहना है कि आपने फर्जी वोटिंग करवाई और इसी को लेकर ये थाने गई थी, आपका क्या पक्ष है, आप क्या कहेंगे, क्या मामला इतना नजदीकी है कि इस तरह की हिंसा जमीन पर देखने को मिली? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन पूरे पूरे दबाव में है। हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ना कहीं हिंसा की, ना किसी प्रकार की उत्तेजना की। ये पूरे तरीके से सलोना कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, पूरे ढंग से हार गई। इनके पार्टी के नेता, इनके कार्यकर्ता, इनके गुंडागर्दी करके ही गुंडा ही सलोना जी एक बार उनको बात कर लेने दीजिए, उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा, एक बार उन्हें बात अपना बात रख लेने दीजिए। पूरे तरीके से गुंडा करके, बीच में मत बोलिए, इन्होंने तीन बार इलेक्शन रोके, मुझको भी मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है। जो सलोना जी एक सेकंड, सलोना जी फर्जी तरीके से, सलोना जी एक बार रुकिए, सलोना जी रुकिए आप एक बार। कल प्रूफ दिखाया, और जो वर्मा जी ने जो गुंडे पाल रखे हैं, पूरा आतंक मचा रखा है, 133 विधानसभा में आतंक मचा रखा है। आप दोनों झगड़ लिए, अब एक सवाल ले लीजिए। सलोना जी एक बार रुकिए आप। कल ऐसा कुछ नहीं हुआ। सलोना जी एक बार रुकिए आप। सलोना जी बौखला गए, बौखलाने से। सलोना जी आपको भी वक्त दिया जाएगा, रुकिए आप एक बार, उनकी आवाज थोड़ी नीचे कीजिए। रोशन लाल जी से एक सवाल बनता है, आप कह रहे हो कि कोई हिंसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई, जो बताया जा रहा है कि SP का बूथ एजेंट है, एक शख्स और गोली लगी है, आप कह रहे हो कोई तनाव नहीं, कोई हिंसा नहीं, ये कैसे? नहीं, हमसे सवाल है, नहीं आपसे ही सवाल है। हमारा ये
हमारा बूथ का कार्यकर्ता जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जी मतदान कर रहे थे तो हमारे जो बूथ का एजेंट था उन्होंने रोका, उन्होंने रोका, विरोध किया, एक एक को बैठाला, एक को बैठाला है, आधे एक घंटे तक बैठा रहा, इसको उन्हें खराब लगा। ठीक है, जब बूथ बंद हुआ तो हमारे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के जी ने रोका। सलोना जी, अब आप बताइए, उनका पक्ष हमने सुनवाया, आप कह रही हैं कि आपके पास सबूत है, तो किस तरह के सबूत की आप बात कर रही हैं? सवाल तो वही है, इनसे आप सबूत ले लीजिए, इनसे सबूत ले लीजिए। मेरे पास सबूत है, मेरे पास फर्जी आईडी, फर्जी आधार कार्ड का मेरे पास पक्का सबूत है। कल मैंने दिखाया, कल मैंने थाने में भी दिखाया, कल मैंने थाने में भी दिखाया, हमारे सबूत है, मेरे पास सबूत है। बाकायदा रंगे हाथों पकड़ा, इनके गुंडों को, इनके गुंडों को रंगे हाथों पकड़ा, तभी ये बकला के रंगे हाथों इनके गुंडों को पकड़ा। आज तक की आप दोनों का झगड़ा बता रहा है कि जमीन पर किस तरह की तनाव की स्थिति रही होगी। एक सेकंड रुकिए, इस बहस में मैं अरुण जी को ले आता हूं। अरुण जी, राजभर साहब कहते हैं वंचित पिछड़े दलित, अगर वंचित पिछड़े दलितों की राजनीति है तो अब्बास अंसारी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी बृजेश सिंह को एमएलसी का टिकट दे करके एमएलसी बनाती है तो सवाल खड़ा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में संगीत सोम दंगा के आरोपी को भाजपा टिकट देती है, मंत्री बनाती है, विधायक बनाती है, सवाल नहीं खड़ा होता है। सुरेश राणा दंगा के आरोपी को टिकट देती है, मंत्री बनाती है, विधायक बनाती है, उस पर कोई सवाल नहीं होता है। और उत्तर प्रदेश में अब्बास अंसारी और मुख्तार अंसारी पर सवाल तुरंत खड़ा हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करने के लिए दो नाम चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है सर, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे इस बात का जवाब जरूर लेंगे और आज ही लेंगे। आप सुनिए, आज ही लेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या उसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा काली या ज्यादा गंदी कहने से दलितों का उत्थान हो जाएगा? क्राइटेरिया क्या रहा? सामाजिक समीकरण के आधार पर हम टिकट भी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक को देते हैं, और हम जिस कंडीशन में जिस समाज को टिकट दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी जीवन में नहीं टिकट देना चाहती है, और हम हर वर्ग को टिकट दिए हैं। ये कहते हैं राजभर को खाली देना चाहिए, हम हर जाति को टिकट दिए हैं, हम बंजारा को भी टिकट दिए हैं, अर्कवंशी को भी टिकट दिए हैं, हम वनवासी को भी टिकट दिए हैं, हम हरिजन को भी टिकट दिए हैं, हम मुसलमान को भी टिकट दिए हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि अब्बास अंसारी क्यों, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं। अब्बास अंसारी क्यों, तो क्या अब्बास अंसारी को निर्वाचन आयोग ने रोक लगाया है क्या? नहीं लगाया, नहीं है क्या? जब चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कर लिया कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, हाईकोर्ट से कहवा दीजिए कि आप इनको मत लड़ाइए, हम नहीं लड़ाएंगे। अच्छा, आप तो आपके लिए निर्वाचन आयोग से कि इनको मत लड़वाइए, हम नहीं लड़ाएंगे। आपके लिए पृष्ठभूमि कोई मायने नहीं रखती, रोक नहीं लगाई है, पृष्ठभूमि कोई मायने नहीं रखती, रोक लगाएंगे, जनता एकदम साथ है। चलो, भाजपा का खदेड़ा बीजेपी के प्रवक्ता से भी बात कर लेते हैं। हर गांव से ठेला चल रही है। राकेश जी, राजभर साहब का भी कहना है, उनकी पार्टी का भी कहना है कि बीजेपी को अपने विधायक नहीं दिखते, वो संगीत सोम का नाम गिनाते हैं, धनंजय सिंह का नाम गिनाते हैं। जब कहते हो कि बाहुबली और माफिया को समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव पार्टी की टिकट दे रही है, तो बीजेपी के उम्मीदवारों पर जब आरोप लगते हैं और उनके जब हिस्ट्री शीट निकलती है, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए पवन जी, मैं बार बार बहुत निवेदन के साथ कहूंगा, बार ये जो तुलना करने की बात करते हैं ना, सुरेश राणा या संगीत सोम के साथ में मुख्तार अंसारी की, ये जनता के ऊपर छोड़ देते हैं कि किसने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई है, किसने वहां चार सचिन और गौरव की हत्या किए जाने पर वहां हत्यारों को दंड देने की बात उठाई है, किसने दंगाइयों का विरोध करने पर की आवाज उठाई और उन पर रासुका तामील करने का कैसे काम किया और वो रासुका हाईकोर्ट ने खारिज किया, लेकिन कैसे दंगे में खुलेआम जिप्सी पर हथियार लेकर के लहराने वाले मुख्तार अंसारी को ये कह रहे हैं कि वंचित समाज के प्रतिनिधि हैं। बहुत लोगों को वंचित किया है, बहुत सारे बच्चों को वंचित किया है उनके बाप के साये से, बहुत सारी बहनों को वंचित किया है उनके मांग के सिंदूर से, बहुत सारी हत्याओं में वंचित रहने वाले मुख्तार अंसारी गैंगस्टर्स माफिया
जिनको अपने पल्लू में छिपा कर रखा था पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने, उनके पॉलिटिकल एजेंट की भाषा देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी की भाषा देखिए, इनके पार्टी के प्रवक्ता है अरुण राजभर जी उनके बेटे, इनकी भाषा जरा देखिए, माफियाओं के साथ कैसे लामबंदी से खड़े हो रहे और कह रहे कि उनको कोर्ट ने रोका नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश की जनता रोकेगी, आप निश्चिंत रहिए, इस बार माफिया उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत करके नहीं आने वाले हैं, माफियाओं के साथ जो खड़ा होगा वो भी चुनाव हारेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।